हेलो माय लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ टॉप 5 सनस्क्रीन जो कि विंटर्स के लिए बेस्ट 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 रहेंगे। एंड यस, अगर आपका स्किन का टाइप ऑयली प्लस कॉम्बिनेशन है और जो समर्स में आप सनस्क्रीन लगा रहे थे वो आपको इस पर्टिकुलर विंटर सीजन में चेंज कर देने चाहिए, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का ना एक सीजन होता है। जो प्रोडक्ट अगर आप समर्स में लगा रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो विंटर्स में आपके लिए स्किन के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि विंटर्स में आपका कोई भी स्किन टाइप हो, अगर आपका ड्राई है तो और ज्यादा ड्राई हो जाता है, अगर ऑयली टू कॉम्बिनेशन है तो वो ड्राई फॉर्म में आ जाता है। सो यस, मेरे साथ ऐसा ही है। समर्स में बहुत ज्यादा ऑयली रहता है और विंटर्स में जैसे ही फेस वॉश करो ना, ऐसे खिंचीता है फेस, लिटरली मन करता है कि कुछ अच्छा सा हाइड्रेशन मिले मेरे फेस को। सो यस, सनस्क्रीन भी ऐसे ही होता है। अगर आप नॉन ऑयली वाले सनस्क्रीन अपने फेस पे विंटर्स में लगाओगे तो आई डोंट थिंक सो कि वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेंगे या फिर आपकी स्किन पे अच्छा काम करेंगे। तो आई मस्ट से कि सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर एंड फेस वॉश भी आपके लाइक विंटर्स में अलग होने चाहिए जो आप समर्स में यूज कर रहे थे। सो यस, 5 सनस्क्रीन ऐसे हैं जो लिटरली मैं विंटर्स में यूज करती हूँ, और मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि सनस्क्रीन में हमेशा चेंज कर करके यूज करती हूँ। पर्टिकुलर एक सनस्क्रीन को मैं नहीं लगाती हूँ, जस्ट बिकॉज की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है। अगर आप घर पे हो तो SPF 30 सफिशियंट है, अगर आप नॉर्मल 1-2 घंटे के लिए जा रहे हो तो SPF 40 लगा लो, अगर आपको 3-4 घंटे कड़ी धूप में दोपहर में अगर आप जा रहे हो तो आपको फिर SPF 50 या 60 लगेगा। तो इस अकॉर्डिंग ना सनस्क्रीन भी आपको, आपके पास वेरिएशन चाहिए, मतलब एक सनस्क्रीन सफिशियंट होगा, बट यस लगा सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट SPF कम वाला लगाओ अगर आप घर पे हो तो आई थिंक बेटर रहेगा। ज्यादा SPF लगा के घर में बैठने से कोई सेंस नहीं है उसका। सो चलिए, बहुत ज्यादा बातें हो गई, फटाफट से मैं आपको 5 सनस्क्रीन बता देती हूँ जो विंटर्स के लिए बहुत 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 अच्छा काम करेंगे। सो यस, दिस इज द फर्स्ट सनस्क्रीन जो कि है बायोडर्मा का, एंड ये है बायोडर्मा फोटोडर्म मैक्स SPF 50+। दिस इज अमेजिंग सनस्क्रीन। ये मैंने आई थिंक लास्ट विंटर भी यूज किया था, एकदम परफेक्ट फॉर्मूला है इसका, बहुत ज्यादा ऑयली भी नहीं है और बहुत अच्छी सी हाइड्रेशन देता है फेस पे। ऐसा भी आपको फील नहीं होगा कि यार बहुत ज्यादा रूखा रूखा लग रहा है, ड्राई लग रही है स्किन। ये आपको थोड़ा सा ना क्रीमी टेक्सचर के अंदर मिलेगा। सो यस, दिस इज बेस्ट फॉर सेंसिटिव स्किन। यस, अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन प्लस सेंसिटिव स्किन है तो विंटर्स के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा। इनफैक्ट ना बहुत लोगों को ये समर्स में भी बहुत सही लगता है, क्योंकि अगर आपकी, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वाला नहीं है ना, तो आप इसको समर्स में भी लगा सकते हो, बट ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है और लिटरली ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। तो SPF 50 है इसके अंदर, दैट इज़ वेरी सफिशियंट, एंड UV एंड UVB दोनों रेस से आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो एंड लिटरली बायोडर्मा के प्रोडक्ट पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो यस, दिस इज द फर्स्ट सनस्क्रीन। अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन सेंसिटिव एक्ने प्रॉन स्किन है और एक अच्छा सा सनस्क्रीन आप ढूंढ रहे हो विंटर्स के लिए, देन यू मस्ट गो फॉर दिस। एंड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट गाइज, दैट इज अगेन अ वेरी 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 रेप्यूटेटेड ब्रांड, दैट वन इज फॉरेस्ट एसेंशियल, एंड ये है सनफ्लू टेंडर कोकोनट वाटर विद टर्मरिक एंड बेसिल लीव। इसके अंदर भी आपको SPF 50 मिल जाएगा, PA 2 टाइम्स प्लस है एंड 50 ml की आपको क्वांटिटी मिलेगी। तो ये आपको इस तरह की ग्लास बॉटल के अंदर मिलता है, एंड इसकी सबसे अच्छी बात ना, इसका फॉर्मूला ऐसा है, एकदम लाइक नॉर्मल जैसे एकदम थिक क्रीमी टेक्सचर होता है ना, वैसा नहीं है। तो हमारी जो ऑयली स्किन होती है ना, उन लोगों को वैसे ही सनस्क्रीन चाहिए जो कि थोड़े से थिक फॉर्म में ना हो, थोड़े से लिक्विड फॉर्म में हो, बट जब मेल्ट करो ना आप तो ऐसे स्टिकी या ग्रीसी नहीं लगने चाहिए, और एक प्रॉपरली हाइड्रेशन भी मिलनी चाहिए। इनकेस अगर आपको लाइक बाहर जाना है, इसके साथ मेकअप करना है, तो आपका मेकअप भी अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। जो थिक क्रीमी वाले सनस्क्रीन हम लगाते हैं ना, तो वो बहुत ऐसे हैवी लगते हैं फेस पे, इसके साथ हमारा मेकअप अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है, बट इसका फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है। इनफैक्ट ये मतलब नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स के साथ बना है। वी ऑल नो फॉरेस्ट एसेंशियल के प्रोडक्ट ना एकदम नेचुरली होते हैं, सो नेचुरल प्रोडक्ट्स है तो वी ऑल नो हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। थोड़ा सा कॉस्टली है बट वर्थ बाइंग है। एक बार अगर आपने इसको बाय किया ना, तो आई मस्ट से कि आप इस पर स्टिक रह जाओगे। इसकी मतलब खुशबू भी ऐसी है ना, एकदम नेचुरल वाली, बहुत सुपर्ब है। और ये भी मैं मतलब अपने पास हमेशा रखती हूँ, जब कभी लगता ना कि आज थोड़ा वेदर ऐसा है, बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है फेस, तो मैं इसको अप्लाई करती हूँ। एंड आई थिंक दिस इज माई थर्ड बॉटल। इतनी सुपर्ब लगती है मुझे ये वाली सनस्क्रीन। इसको लगाने के बाद ना मतलब ऐसा फील भी नहीं होता कि आपको अलग से कोई मॉइस्चराइजर वगैरह लगाना है। ये इतनी अच्छी हाइड्रेशन देता है, और आप घर पे भी रहते हो ना, मतलब आप बाहर भी नहीं जा रहे हो, तो भी आप इस सनस्क्रीन को ईजिली डेली 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 यूज कर सकते हो। सो यस, एंड नेक्स्ट जो सनस्क्रीन है गाइज, दैट वन इज ए लास्ट शील्ड का सनस्क्रीन, और ये एक ऐसा सनस्क्रीन है जो
हमेशा मतलब 12 महीने आप आंखें बंद करके यूज करो, इतना सुपर इसका फॉर्मूला है। थोड़ा सा ये आपको मिलेगा सिलिकन टेक्सचर में मिलेगा, तो अभी आप बोलोगे कि जो सिलिकन टेक्सचर है वो तो मतलब ऑयली स्किन के लिए होता है, वो समर्स के लिए होता है, तो विंटर्स में तो ये ऑब्वियसली हमारी स्किन को ड्राई और कर देगा। नो, इसका जो सिलिकन का टेक्सचर है वो एकदम क्रीमी फॉर्म में है, एकदम बटरी फॉर्म में है, तो जब आप इसको लगाओगे ना ऐसे लगेगा आप बटर लगा रहे हो अपने फेस पे, ऐसे ये एकदम मेल्ट होता है। तो मेरे पास एक जो फेस गार्ड का सनस्क्रीन है वो भी सिलिकन टेक्सचर में है, बट उसका जो फॉर्मूला है ना वो थोड़ा सा ड्राई की तरफ जाता है, मतलब ड्राइनेस देता है, बट इसका जो सिलिकन टेक्सचर है वो बटरी फॉर्म में है, तो बहुत अच्छे से मेल्ट होता है स्किन के अंदर, हाइड्रेशन भी देता है और मॉइस्चराइज भी करता है स्किन को। एंड ये SPF 40 वाला है मेरे पास, इसके अंदर आई थिंक आपको SPF 30 भी मिल जाएगा, 50 भी मिल जाएगा, तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप बाय कर लीजिएगा। बट ये SPF 40 वाला मैं लगाती हूँ जब मुझे 1 से 2 घंटे के लिए बाहर कहीं जाना है। यस, इसमें मेंशन है दिस इज ऑयल फ्री फॉर्मूला, बट ट्रस्ट मी विंटर्स में अगर आप इसको लगाओगे ना आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा, और अगर आपकी सुपर ऑयली स्किन है और विंटर्स के लिए ढूंढ रहे हो तो ये अच्छा है। यस, अगर आपकी समर्स में भी ड्राई रहती है, कॉम्बिनेशन रहती है, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि ये आपके लिए परफेक्ट जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑयल फ्री फॉर्मूला तो है ही है, तो ड्राई स्किन के लिए इतना ज़्यादा सुपर नहीं है, बट ऑयली प्लस कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ये काफ़ी अच्छा जाएगा। नेक्स्ट जो सनस्क्रीन है गाइस, दैट वन इज फ्रॉम ब्रांड L'Oreal पेरिस, एंड दिस इज यूवी डिफेंडर यूवी सीरम प्रोटेक्टर मैट एंड फ्रेश। ये भी SPF 50 के साथ आता है, PA 4 टाइम्स प्लस है, दैट मीन्स कि दिस इज वेरी अमेजिंग। जितना अच्छा PA रेटिंग रहती है ना उतना ज्यादा टाइम के लिए वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। एंड यस, ये नो रेसिड्यू फॉर्मूला है, नो शाइन आपको देगा, नॉन स्टिकी है, बट यस अगर आप विंटर्स में इसको लगा रहे हो ना, ये देखो इसका इसका आप टेक्सचर भी देख सकते हो, एकदम वैसा ही है जैसा कि फॉरेस्ट एसेंशियल वाली का था, एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी में है, तो विंटर्स के लिए बहुत ही सुपरबली वर्क करेगा। एंड यस, लुक एट दिस, कितना अच्छे से मेल्ट हो गया है। ये भी स्किन पे बहुत ज्यादा हैवी नहीं लगता है, काफी ज्यादा लाइट फॉर्मूला है, व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ेगा, ऑयली या ग्रीजी नहीं बनाएगा। सो यस, मेक श्योर कि जब भी आप सनस्क्रीन लो विंटर्स के लिए भी, वो भी ऐसे ऑयली या ग्रीजी वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि कुछ भी कहो यार, आपकी स्किन तो जो सीबम प्रोडक्शन है वो तो निकालेगी, अंदर से सीबम तो बाहर आएगा ही, बट अगर आप ऑलरेडी ऑयली बेस वाले सनस्क्रीन लगा लोगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे सनस्क्रीन लगाओ कि आपको बिल्कुल मैटिफाई फिनिश ना दे, अच्छी सी हाइड्रेशन प्रोवाइड करे। सो ये भी अच्छा ऑप्शन है, थोड़ा सा प्राइजी है ये, बट उतना ही वर्थ है। नेक्स्ट प्रोडक्ट गाइज, दैट इज अगेन माई फेवरेट और हमेशा मैं अपने पास रखती हूँ, दिस इज सनबैंड सनस्क्रीन। एंड यस, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा थिक है, सो अगर आपकी ओवर ऑयली स्किन है तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी। मेरी यस ऑयली स्किन है, बट बेसिकली मैं इसको जब यूज करती हूँ, जब मुझे पता है कि एकदम बहुत तेज धूप है और सर्दियों में आपको धूप में बैठना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो एक अच्छा सा सनस्क्रीन आपको लगाना है, देन आप इसको लगा सकते हो। बट यस, ये थोड़ा सा वाइट कास्ट भी छोड़ता है, थोड़ा सा हैवी भी है, थोड़ा सा मतलब ऑयली या ग्रीजीनेस भी बनाएगा आपको, बट मैंने इस वीडियो में इसलिए इसको इंक्लूड किया है, अगर आपको धूप में जाते ही थोड़ा सा इचिंग शुरू हो जाती है, बर्निंग हो जाती है, या फिर लाइक मेरे साथ प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ पे ना हाथ पे हमेशा जब भी मैं धूप में जाती हूँ ना, तो यहाँ पे ऐसे खुजली होके अजीब से ऐसे रैशेज हो जाते हैं, ये मतलब ये इतने इतने पोर्शन पे हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है। तो अगर मैं धूप में कहीं बाहर जा रही हूँ ये वाली लगाती हूँ। लिटरली अगर आपको ऐसी एलर्जी है धूप से तो आप एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करना, आप फैन हो जाओगे। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तब तो आप इसको अपने फेस पे लगाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और ट्रस्ट मी, मतलब मुझे जब ये एलर्जी थी ना इतनी बड़ी, मुझे मतलब डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, मेरे डर्मेट ने, तो जब मैंने इसको ट्राई किया ना, लिटरली विद इन 3 to 4 days मेरे वो एलर्जी भी गायब हो गई, और उसके बाद जब भी मैं धूप में जाती थी मैं इसको लगा के जाती थी, और उसके बाद आप देख सकते हो मेरे हाथ मतलब ऐसे कोई भी एलर्जी वेलर्जी नहीं है। तो जब भी मैं धूप में जाती हूँ मैं इस पर्टिकुलर सनस्क्रीन को लगाती हूँ, और विंटर्स में ये मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं अपने फेस पे भी इसको लगा लेती हूँ, बाकी समर्स में मैं सिर्फ अपने हाथों पे इसको लगाती हूँ। सो यस गाइस, ये थे कुछ 5 सनस्क्रीन जो लिटरली आप विंटर्स में यूज कर सकते हो अगर आपकी ऑयली प्लस कॉम्बिनेशन स्किन है तो। सो यस, लिंक्स मैंने नीचे सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, इनकेस आपको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।